सोनाक्षी सिन्हा अब एक सोप ब्रांड को एंडोर्स करेंगी जिसे कभी कटरीना कैफ एंडोर्स किया करती थी और रिसेंटली सोनाक्षी ने अपने इस फर्स्ट टेलीविजन कैंपेन की शूटिंग की। दीपिका पादुकोण ने विशाल भारद्वाज की फिल्म ड्रीम सीक्वेंस को डेट्स ना होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया था, जिस वजह से विशाल दीपिका से काफी नाराज हुए थे। पता नहीं उन्होंने दीपिका को वाकई माफ किया है या नहीं, लेकिन ये दोनों कहते हैं कि इनके बीच अब कोई इश्यूज नहीं रहे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की छोटी बेटी अहाना डियोल अब बॉलीवुड में अपना एक्टिंग डेब्यू करेंगी डायरेक्टर अपर्णा सेन की फिल्म से, जो कि रोमियो जूलियट पर बेस्ड होगा। इस फिल्म में अहाना के ऑपोजिट होंगे प्रतीक बब्बर और इसे प्रोड्यूस करेंगी खुद हेमा मालिनी। दो साल पहले फिल्म मेकर्स साजिद खान और आशुतोष गवारिकर के बीच एक अवार्ड फंक्शन के दौरान काफी कहासुनी हो गई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि दोनों ने शाहरुख खान के घर रखे डिनर पार्टी में अपने सारे डिफरेंसेस सॉर्ट आउट कर दिए। सिंगर कंपोजर शंकर महादेवन ने हाल ही में ऑनलाइन क्लासिकल म्यूजिक अकेडमी लॉन्च की ताकि यूएस में रहने वाले इंडियंस इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से रूबरू हो सके।